यूपी के कानपुर में इश्क, शादी और धोखे को बयां करती एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। वारदात जहां पति की गैर मौजूदगी में पत्नी को गैरों से रिश्ता बनाना भारी पड़ गया और फिर जो हुआ उसे देख हर कोई हैरान रह गया। दरअसल कानपुर में एक सीआरपीएफ जवान की शादी साल 2006 में गीता नाम की एक महिला के साथ हुई। शादी के कुछ सालों बाद दोनों पति पत्नी के दो बच्चे भी हुए। ड्यूटी के चलते सीआरपीएफ जवान पति अक्सर घर के बाहर रहता और वहीं पत्नी गीता घर पर अकेली रहने लगी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गीता ने कई गैर मर्दों से दोस्ती करना शुरू कर दिया और उन्हीं में से एक था मुख्तार नाम का कार मैकेनिक। देखते ही देखते मुख्तार और गीता की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जब भी घर पर बच्चे और पति नहीं होते गीता मुख्तार को बुला लेती। ऐसा ही वाक्या हाल में तब हुआ जब सीआरपीएफ जवान पति अपनी ड्यूटी पर मणिपुर गया हुआ था और बच्चे भी घर पर नहीं थे। इसी दौरान गीता मुख्तार को अपने घर बुला लेती है, मगर इस बार मुख्तार की प्लानिंग कोई और थी। प्लानिंग के पीछे का कारण बना गीता के कीमती जेवरात। मुख्तार अपने दोस्तों के साथ गीता के घर पहुंच जाता है और ज़बरदस्ती मुंह बांधकर उसे गाड़ी में डाल देता है। उधर दूसरी ओर जब बच्चे घर पहुंचते हैं और माँ को नहीं देखते हैं तो वो फौरन इसकी जानकारी पिता इंद्रपाल को देते हैं। पिता इंद्रपाल ये सब सुनकर फौरन घर लौट जाता है और गीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराता है। शिकायत के बाद पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है और गीता की कॉल हिस्ट्री को चेक करती है। फोन कॉल में लास्ट कॉल मुख्तार की थी। पुलिस पूछताछ के दौरान मुख्तार सब कुछ कबूल कर लेता है और बताता है कि वो गीता को किडनैप कर जंगलों में ले गया था और उसके बाद गीता के पास मौजूद जेवरात को लूटपाट कर उसकी हत्या कर देता है और इसके बाद सनसनीखेज तरीके से शव को नाले में फेंक देता है। साथ ही पुलिस पूछताछ में मुख्तार ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो और गीता दोनों रिलेशन में थे। बहरहाल वारदात के बाद कानपुर पुलिस ने आरोपी मुख्तार और उसके साथी पुष्पेंद्र व लल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।